नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। किसान मुक्ति मार्च का संसद भवन की ओर बढ़ना जारी, सुरक्षा के भारी इंतजाम। राम मंदिर मुद्दे पर एक और रथ यात्रा, कल दिल्ली से संघ का नया मिशन होगा शुरू। जीटी रोड पर ओवरलोड ट्रक और कार से टकराकर पलटी बस, कंपनी के कर्मचारियों समेत 50 लोग हुए घायल। हुड्डा और सैजा ने हाथ मिलाकर अशोक तंवर को दिया झटका, अब राहुल से लगाएंगे गुहार। करतारपुर पर पाक का असली चेहरा, कुरैशी बोले इमरान की गुगली में फंस गया भारत। और अब खबरें विस्तार से। शीतकालीन सत्र के ठीक पहले संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए देश भर से आए हजारों किसानों ने शुक्रवार को अपनी कवायद तेज कर दी है। इसके तहत किसान मुक्ति मार्च के बैनर तले किसानों ने रामलीला मैदान से संसद भवन की ओर कूच शुरू कर दिया है। वहीं किसानों के मार्च के चलते रामलीला मैदान के बराबर की एक सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली वासियों को जाम से बचने के लिए अपने फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर ट्रैफिक की जानकारी को लगातार अपडेट कर रही है। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए जानकारी दी जा रही है कि किसान मुक्ति मार्च के लिए पहुंचे किसानों के रास्ते में करीब 1000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी के जवान लगाया गया है। इन जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत दी गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आक्रामक रुख अपना लिया है। RSS 1 दिसंबर से 9 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली में इसके लिए रथ यात्रा निकालेगी। ये रथ यात्रा पूरे देश में जाएगी, जिसकी शुरुआत दिल्ली से की जा रही है। संघ की इस यात्रा का मकसद राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के लोगों का समर्थन जुटाना है। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद और संत समाज पहले से ही इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। 25 नवंबर को दोनों की ओर से अयोध्या में धर्म सभा भी बुलाई गई थी। संघ द्वारा निकाली जा रही इस रथ यात्रा को संकल्प रथ यात्रा नाम दिया गया है। ये रथ यात्रा की जिम्मेदारी संघ के सहयोगी संगठन स्वदेश जागरण मंच को दी गई है। पंजाब में कोहरे ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया है। इस कारण यहाँ GT रोड पर बड़ा हादसा हो गया है। घने कोहरे की वजह से खन्ना के नजदीक GT रोड पर कई वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर के कारण एक ट्रक और एक धागा फैक्ट्री के कर्मचारी को ले जा रही बस पलट गई। इससे करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। इनमें 10 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिनकी फोर्टिस लुधियाना में इलाज चल रहा है। बाकी घायलों को खन्ना के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। खबरों की माने तो पूरे क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था। इस कारण GT रोड पर भी दृश्यता बेहद कम थी। इसी दौरान एक धागा कंपनी के कर्मचारियों को लेकर जा रही बस मोहनापुर गांव के पास GT रोड के किनारे रुकी हुई थी। बस में करीब 60 कर्मचारी सवार थे। इसी दौरान बस के पीछे से एक ट्रक वहां आया और उसने बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बस सड़क पर ही पलट गई। लोहे की पाइपों से लदी ट्रक भी सड़क के किनारे पलट गई। इस दौरान आगे से आ रही एक इनोवा कार भी बस से जा टकराई। इस हादसे में करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने हाथ मिलाकर हरियाणा कांग्रेस के प्रधान डॉक्टर अशोक तंवर को तगड़ा झटका दिया है। शैलजा को अब तक अपने साथ मान रहे तंवर इससे हैरान रह गए हैं। वहीं दूसरी ओर अपने कार्यकाल के 5 साल में हरियाणा में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा खड़ा नहीं कर पाना भी अशोक तंवर को भारी पड़ गया है। तंवर अब इस मामले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने की बात कर रहे हैं। आपको बता दें, तंवर चाहते थे कि राज्य में हो रहे 5 नगर निगमों का चुनाव कांग्रेस अपने सिंबल पर लड़े। करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इसके पीछे की उसकी असली मंशा इमरान खान सरकार के विदेश मंत्री के एक बयान से सामने आ गई है, जिसमें उन्होंने इसे इमरान की गुगली बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर शिलान्यास समारोह में भारत सरकार आमंत्रित करना इमरान खान की गुगली ही थी, जिसमें मोदी सरकार बोल्ड हो गई। कुरैशी का ये बयान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के उस बयान के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहले इस्लामाबाद
भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकी गतिविधियों को रोके। आतंक और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकती। बीते दो दिनों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही बयानबाजी के बीच सेना प्रमुख बिपिन रावत ने पलटवार किया है। शुक्रवार को सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बन गया है। अगर वे भारत के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहते हैं तो उन्हें एक सर्कुलर देश बनाना होगा। हम एक सर्कुलर देश हैं। अगर वो हमारे जैसा बनना चाहते हैं तो कुछ तो हो सकता है। सेना प्रमुख बोले कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि आप एक कदम बढ़ाइए तो हम दो कदम बढ़ाएंगे, लेकिन अगर उनका एक कदम सकारात्मक हुआ और उनका असर जमीन पर दिखा तो कुछ ही हो सकता है। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इमरान जिन जर्मनी फ्रांस संबंधों की बात कर रहे हैं वो इन हालात में संभव नहीं है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने बाबरी मस्जिद को लेकर 9 मिनट का ऑडियो जारी किया है। इस ऑडियो में अजहर धमका रहा है कि अगर भारत बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाता है तो दिल्ली से काबुल तक मुसलमान लड़के बदला लेने को तैयार हैं। उसने कहा कि हम लोग पूरी तरह से तबाही फैलाने के लिए तैयार हैं। मसूद ने दावा किया है कि काबुल और जलालाबाद में भारतीय संस्थानों को निशाना बनाया गया था। अजहर ने ऑडियो में कहा कि हमारी बाबरी मस्जिद को गिराकर वहां अस्थायी मंदिर बनाया गया है। वहां हिंदू लोग त्रिशूल के साथ इकट्ठा हो रहे हैं, मुसलमान लोगों को डराया जा रहा है। एक बार फिर हमें बाबरी मस्जिद बुला रही है। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में अब तक एसटीपी न बनाए जाने से नाराज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड को 5 करोड़ रुपए सीपीसीबी को जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड से कहा कि अगर मई 2019 तक इंद्रपुरी इलाके में एसटीपी नहीं बना तो जमा कराए गए ये 5 करोड़ रुपए सीपीसीबी जब्त कर लेगी। दरअसल इंद्रपुरी इलाके में गंदे नाले के पानी का मामला चल रहा था। दिल्ली जल बोर्ड ने एनजीटी को आश्वासन दिया था कि इंद्रपुरी इलाके में एसटीपी बना दिया जाएगा, लेकिन ना तो एसटीपी लगाया गया और ना ही इंद्रपुरी के लोगों की समस्या खत्म हुई है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूं न्यूज़ के साथ।